बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटे और बहू के साथ रहा करता था। खेती किसानी ही उसकी आजीविका थी, पर वो था बड़ा सज्जन और धर्म में विश्वास करने वाला। साधु संतों की तो बड़ी ही सेवा करता था। एक दिन की बात हुई, एक बाबा जी चारों तरफ से घूमते घामते उसके गांव में आ गए और कहीं भी किसी ने उनको रुकने का आग्रह नहीं किया और न अपने यहाँ रखा। घूमते घूमते उस किसान के पास बाबा जी पहुँच गए। उसने उन महात्मा जी के पांव पखारे और बड़े प्रेम से अपने घर पे बिठाया और उनसे आग्रह किया कि आप मेरे यहाँ रहिए। अब उन महात्मा जी को तो यही चाहिए ही था। अब अपने मन की बात पा गए और खुशी से आराम से वहाँ रहे। किसान ने उन्हें बहुत अच्छी तरह का भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उस किसान के घर में गाय भैंस रहती थी, जिससे दूध घी दही सब कुछ उपलब्ध था। अब पंडित जी वहाँ रुक गए। अब जब रुक गए तो उस किसान की पत्नी तो थी नहीं, उसका मन लगता था पंडित जी उन महात्मा जी से बातचीत करता था, उसका मन लगा रहता था। जब भी कभी कहते थे वो महात्मा जी कि मुझे अपने घर जाना है, जाने दीजिए, तो वो किसान उन्हें दो चार दिन और रुक जाइए कह करके रोक लेता था। और वो पंडित जी जो थे घर से निर्धन थे, मांगना खाना उनका व्यवसाय था। अब वहाँ वो रुक गए और इस तरह से चलते चलते 6 महीने बीत गए। अब उधर उसकी बहू जो थी किसान की, वह तंग आ चुकी थी और वो परेशान ये थी कि ऐसे मेहमान जो बिना बुलाए आ जाएं और कभी जाने का नाम न लें, उनके लिए क्या उपाय हो। परेशान थी पर अपने ससुर के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिरकार कुछ दिन के बाद पंडित जी अच्छे खासे मोटे तगड़े हो गए, इतने ज़्यादा मोटे तगड़े हो गए कि वो जिस घोड़ी पर आए थे वो घोड़ी उनका वजन नहीं संभाल पा रही थी। किसान ने उन्हें बहुत सा उपहार दिया और उपहार दे करके विदा किया। वो अपने घर आए और जब घर आए तो एक बार तो उनकी पत्नी भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि काफ़ी मोटे तगड़े हो गए थे, चेहरे पे लालिमा टपक रही थी। तो उन्होंने उन्हें सारा वृत्तांत बता दिया कि मुझे एक बहुत बढ़िया जजमान मिल गया है जो बड़ी सेवा करता है, बहुत अच्छा भोजन कराता है, तो इस बार मैं जाऊंगा तो सोच रहा हूं अपने बेटे को भी लेता जाऊं, वह भी बहुत कमज़ोर हो गया है, खा पी करके मोटा तगड़ा हो जाएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, तब तो बढ़िया है, इसको भी लेते जाओ। अब वो पंडित जी अपने बेटे को घोड़ी पर बिठा करके साथ में ले करके उस किसान के घर जा पहुँचे। उस समय किसान घर पे मौजूद नहीं था। अब बहू ने अपने मन में एक तरकीब सोची कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसने तुरंत पंडित जी के थाल में पानी ले आ करके पांव पखारी और उसके बाद जलपान करा करके वो थोड़ा सा आंसू बहाने लगी बनावटी और रोने लगी। तो पंडित जी ने कहा बेटी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले आप जब से गए हैं मेरे ससुर जी का दिमाग ही खराब हो गया है, किसी को न जानते हैं न पहचानते हैं और केवल लाठी लेके दौड़ा करके मारते हैं सबको। और मैं तो ये कहूँगी पंडित जी कि आप जितना जल्दी हो सके, वो अभी पश्चिम की तरफ गए हैं और आप पूरब की तरफ भाग जाइए जल्दी से,
नहीं तो इतनी मार मारते हैं कि मारते मारते आदमी की कचुम्बर निकाल देते हैं, उनके समझ में तो कुछ आता नहीं, दिमाग खराब हो गया है। अब पंडित जी डर गए, उसने कहा देखो मान आप तो खाते पीते थोड़ा मोटे हो गए, बर्दाश्त भी कर लोगे, पर इस छोटे बच्चे को अगर एक लाठी भी लग गई तो ये बचना मुश्किल हो जाएगा। पंडित जी डर गए, तुरंत घोड़ी पर बैठे और भागे पूरब की तरफ। थोड़ी देर में किसान आ गया। अब उस किसान ने अपने बहू से पूछा, किसी ने बता दिया था कि पंडित जी आपके आए थे, तो उसने कहा पंडित जी आए थे, बोले हाँ आए तो थे पर वो अपनी खानदानी लाठी मांग रहे थे, तो बताओ मैं लाठी कैसे दे दूँ। अब वो ससुर गुस्से में आ गया, उसने कहा अरे तुम्हें दे देना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है, मैं दूसरी लाठी ले लेता। पर बहू नहीं बोली और वो किसान वो लाठी लिया। पंडित जी भागे जा रहे थे पूरब की तरफ, किसान लाठी लेकर के पीछे दौड़ा और चिल्लाने लगा, अरे पंडित जी लाठी तो लेते जाइए, लाठी तो लेते जाइए। पंडित जी ने पीछे देखा घोड़ी पर से, देखा तो किसान पीछे लाठी लेके दौड़ा रहा है, दौड़ता चला आ रहा है। अब वो समझ गए कि अब ये तो मुझे पीटने ही आ रहा है। पंडित जी और घोड़ी को तेज लगाम लगा करके चाबुक मारा और तो वो हवा में बात करने लगी, घोड़ी भाग गई। अब किसान क्या करे, विवश होकर के घर पे वापस आ गया। और उधर जो किसान की बहू थी उसने मन ही मन सोचा, चलो बिन बुलाए मेहमान से जान छूटी। मित्रों, इस कहानी का आशय ये है कि किसी के भी यहाँ अगर आप मेहमान के रूप में जाते हैं तो अधिक दिनों तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उससे आपका मान सम्मान समाप्त हो जाता है और आप भारी पड़ने लगते हैं। और दूसरी बात ये, कभी भी इतना ज़्यादा बोझ किसी के ऊपर मत डाल दीजिए वह आपसे ऊब जाए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा और लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे।